हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजेश। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एन अपडेट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सीएससी बैंक मित्र पोर्टल के बारे में। फ्रेंड्स, आप अगर बैंक बीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कहां से अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे? फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी बैंक का कोरेस्पोंडेंट पॉइंट चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैसे आवेदन करेंगे? फ्रेंड्स, आप लोग को कुछ दिन पहले बताया गया था कि आप ऑफलाइन तरीके से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अभी एक अच्छी खबर है कि सीएससी बैंक मित्र पोर्टल फिर से ओपन कर दिया गया है। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि डिजिटल सेवा पोर्टल पर जैसे ही बैंक मित्र पोर्टल खोलते हैं, यहां पर फिर से यूआरएल ओपन नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, इसके लिए एक स्पेशल लिंक जारी कर दिया गया है जो कि bankmitrportal.in करके है। फ्रेंड्स, जो कि csc.bankmitr.in करके पोर्टल है, लेकिन इस पोर्टल पर आने से फ्रेंड्स, इस पोर्टल को ओपन करने पर फर्स्ट डैशबोर्ड ओपन होता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है यू आर इंटरेस्टेड फॉर बैंकिंग सर्विस। हम यहाँ पर यस कर देंगे, इंटरेस्टेड हैं तो यस कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, आपका अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। फ्रेंड्स, आपको इस डैशबोर्ड पर आने के बाद सेम टू सेम वही डैशबोर्ड मिलेगा जो सीएससी बैंक मित्र पोर्टल का था, और ये जेन्युइन डैशबोर्ड है, जेन्युइन वेबसाइट है, जेन्युइन यूआरएल है, ये कोई फेक वेबसाइट नहीं है। फेक वेबसाइट के बारे में बता रहे हैं। फ्रेंड्स, इतना सब कुछ के बावजूद भी लोग फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही आप गूगल में टाइप करते हैं सीएससी बैंक मित्र, उसके बाद आपको यहां पर कई वेबसाइट कई यूआरएल सामने आता है, जिसमें से एक यूआरएल है सीएससी बैंक मित्र करके है। इसको क्लिक करेंगे, इसका डैशबोर्ड भी सेम सीएससी बैंक मित्र के तरह ही है, क्योंकि ये लोग सीएससी बैंक मित्र पोर्टल का कॉपी किया हुआ है। इसलिए हम इसको कॉपी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लोगो भी लगाया गया है सीएससी का और बैंक मित्र जियो भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर अगर आप अप्लाई फॉर सीएसपी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी खुल जाता है और आपको अपना डिटेल मांगा जाता है, इसमें आप फिल कर देते हैं और आप फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। हम बार बार इसलिए फ्रॉड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है इसके यूआरएल में csc.bankmitr.gov.com। अगर फ्रेंड्स ये जेन्युइन वेबसाइट होता, जेन्युइन यूआरएल होता, यहाँ पर csc.bankmitr.gov.com होता, जीओबी से पहले डॉट लगा होता, इसलिए हम इसको, हो सकता है फ्रेंड्स ये लोग अपने तरीके से काम करता होगा, अपने तरीके से बैंक बीसी प्रोवाइड करता होगा, लेकिन हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे इस प्रकार के यूआरएल से रजिस्ट्रेशन करने का। फ्रेंड्स, आप लोग को हम सजेस्ट करेंगे csc.bankmitr.in के यूआरएल से जाकर वीएलई रजिस्ट्रेशन करने के लिए। यहाँ पर वीएलई रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है अगर आप पहले से बैंक बीसी है, एग्जिस्टिंग पर क्लिक करें। अगर आप नए यूजर है, पहले से आपके पास कोई बैंक बीसी नहीं है, तो आप न्यू यूजर पर क्लिक करके सबमिट करें। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको बोला जा रहा है डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट में आपका फोटो लगेगा और प्रूफ ऑफ आईडी, आधार कार्ड या वोटर कार्ड के, रूम का फोटो आउटसाइड इनसाइड का होना चाहिए, सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसका कैंसिल चेकबुक लगेगा। फ्रेंड्स, आपके पास हायर क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए और IIBF का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, पैन कार्ड और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगेगा। फ्रेंड्स, इसके इतना सारा डॉक्यूमेंट अपने पास एडजस्ट कर लेने के बाद आप लोग यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग के सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें आपके सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल से लॉगिन होने के बाद यहां पर आपसे आप कुछ डिटेल मांगा जाएगा, जो डिटेल आपको फिल करने के बाद सबमिट करना है। फ्रेंड्स, सबमिट कर देने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा स्टेट लेवल पर, उसके बाद आपका ब्रांच लेवल पर भी वेरिफिकेशन होगा। ब्रांच लेवल वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका BC ID जनरेट कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मन में किसी भी प्रकार का सवाल आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।